नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल लव गुरु बाबा जी अजमेर वाले में। आज की हमारी वीडियो का विषय है अपने दुश्मन को बीमार कैसे करें। दोस्तों, आजकल यह सवाल हर किसी व्यक्ति के मन में उठता है, क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता हासिल करता है तो उसके बहुत से दुश्मन बन जाते हैं जो उनकी सफलता के रास्ते में रुकावटें पैदा करते हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिनके बहुत सारे दुश्मन बन चुके हैं और वह आपको हमेशा परेशान करते रहते हैं और आप अपने दुश्मनों के कारण चैन से ना सो पाते हैं और ना ही बैठ पाते हैं, बस चिंता में पड़े रहते हैं कि कब आपके दुश्मन वार करेंगे और उस वक्त आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में दुश्मनों को बीमार करने का एक ऐसा टोटका भी शामिल है, अगर आपके दुश्मन आपको बहुत सताते हैं और आप अपने दुश्मनों को परेशान करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपके लिए दुश्मन को बीमार करने का एक ऐसा टोटका लेकर आए हैं जिसकी मदद से आप बिना किसी बाधा व कठिनाई के अपने दुश्मन को अपने वश में करके आसानी से उसे बीमार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लव गुरु बाबा जी अजमेर वाले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप हमारी आगे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं अपने दुश्मन को बीमार करने के कुछ कारगर टोटकों के बारे में। लेकिन दोस्तों, इन टोटकों के बारे में जानने से पहले यह जान लेना अति आवश्यक है कि इन टोटकों को हमारे विशेषज्ञों के परामर्श के बिना करना नुकसानदायी हो सकता है। तो दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं अपने दुश्मन को बीमार करने के कुछ कारगर टोटकों के बारे में। दोस्तों, इन टोटकों को करने के लिए आपको सबसे पहले एक उल्लू का पंख और मैं दुश्मन की एक तस्वीर की आवश्यकता होगी। ऐसा करने के पश्चात आपको एक सफ़ेद रंग के कागज पर काले रंग के पेन से अपने दुश्मन का नाम लिख देना है और फिर अपने सामने उल्लू के पंख को रखकर हमारे द्वारा बताए गए मंत्र का 108 बार जाप करना है। यह मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम उल्लू काना विदेश फट स्वाहा। दोस्तों, इस मंत्र का 108 बार जाप करने के पश्चात आपको नाम लिखे हुए कागज को अच्छी तरह से जलाकर राख कर देना है और उस राख को बहते हुए पानी में बहा देना है। इस उपाय आपका जो भी दुश्मन होगा वह धीरे धीरे बीमार होने लगेगा और आप पर वार करना भी छोड़ देगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको अपने दुश्मन को बीमार करने का यह टोटका जरूर समझ में आया होगा। अगर आपकी इन टोटकों से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारी इस वीडियो के स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें और आप हमें कमेंट करके भी अपनी क्वेरीज़ को बता सकते हैं, जहां पर आपकी सभी क्वेरीज़ का तुरंत समाधान किया जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल लव गुरु बाबा जी अजमेर वाले को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नई वीडियो लेकर आएं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।